नवंबर में दिवाली का बड़ा धमाका, दिवाली देगी बड़ा सरप्राइज, दिवाली से बदल जाएगा समय, खुशियों की रौनक से लाइफ होगी गुलजार, लग्जरी संग मिलेगी अपार दौलत, मुसीबतों का होगा दी एंड, धर्म ज्ञान पर देखिए धमाकेदार दिवाली से जुड़ा नवंबर मासिक राशिफल। नमस्कार, धर्मज्ञान की खास पेशकश नवंबर माह मासिक राशिफल 2023 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा, मेरे साथ मौजूद है आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी, सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। तो इस बार की दिवाली आप लोगों के लिए कैसी रहने वाली है, बात कर रहे हैं कर्क राशि कर्क लगन वाले लोगों के बारे में। जी हाँ, दिवाली की शुरुआत आपके जीवन में कितनी खुशियाँ लेकर आने वाली, कितनी रोशनी लेकर आने वाली, आप लोग कितनी तरक्की करेंगे, काम कारोबार खासकर आपका कैसा चलेगा, जाने मैं जी से सबसे पहले बात कर लेते हैं कि दिवाली से ही आपके ग्रह गोचर की जो स्थिति है वो कैसे बदलने वाली है, बताएं मैं जी। देखिए, कर्क राशि वालों के लिए एक बड़ा कहना चाहिए ग्रह परिवर्तन होगा, बड़ा कुछ चेंज आने वाला है इस अक्टूबर मास के अंत से ही। 30 अक्टूबर को जैसे कि हमने बताया है कि राहु और केतु का राशि परिवर्तन हो रहा है और आप यहाँ देख भी रहे, 1 नवंबर की कुंडली है ये प्रातःकाल की। केतु जो है आपके चतुर्थ भाव से निकल के दूसरे भाव में आ गए हैं, यानी कि केतु ने चतुर्थ भाव पे सुखों पे ग्रहण लगा रखा था, तमाम तरह की परेशानियां दे रखी थी। एक तो वो अब कम होंगी, 1.5 वर्ष के बाद खत्म हो जाएंगी परेशानियां। केतु यहाँ कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे, काम धंधे को बढ़ाएंगे, बहुत अच्छी स्थिति है। राहु और गुरु का चांडाल दोष यहाँ आप देखते रहे दशम भाव में, ये आपके काम कारोबार में उतार चढ़ाव बना रहा था कि कभी काम बहुत अच्छा था, किसी महीने काम जो है थोड़ा सा मंदा हो जाता था। तो राहु भाग्य स्थान में आ गए भाग्य को चमकाने के लिए। शनि की ढैया से आप वर्ष की शुरुआत में ही पीड़ित हो गए थे, समस्या बढ़ गई थी, और शनि जो है फिर वक्री हो गए थे, तो कहते हैं कि वक्री ग्रह अष्टम भाव में हो तो और परेशानी बढ़ाएगा जी। लेकिन शनिदेव 4 नवंबर से मार्गी हो रहे हैं तो ये भी आपके लिए अच्छी खबर है। शनि गुरु को देखेंगे तो शुभ फलों की वृद्धि होगी। तो कुल मिलाकर कर्क राशि वालों के लिए एक सकारात्मक समय की शुरुआत हो रही है नवंबर मास से, काफ़ी कुछ अच्छा रहेगा इस वर्ष के। खासकर 22 अप्रैल से जितनी परेशानियां आपने झेली हैं वो सब परेशानियां आपकी जो है 30 अक्टूबर को समाप्त हो जाएंगी, और फिर 4 नवंबर से शनि मार्गी होंगे तो फिर तो और भी अच्छा लाभ मिलेगा। शनि भी अब कहना चाहिए परेशानी तो देंगे लेकिन कुछ शुभ फल भी देना शुरू करेंगे। तो कुल मिलाकर आपके लिए एक बेहतरीन समय की शुरुआत हो रही है। गुरु अभी यहाँ पर तकरीबन 6 महीने तक रहेंगे, 1 महीने तक, उसके बाद तो फिर लाभ स्थान में आ रहे हैं, तो फिर क्या कहना, और भी शानदार है। तो ओवरऑल आपके लिए ये जो समय है अच्छा समय आ रहा है, बढ़िया समय है कर्क राशि वालों को। अब कहना चाहिए, कहते हैं ना कि अब वो समय आ गया है कि आपके लिए गुड मॉर्निंग कही जाएगी, एक तरीके से उजाला आ रहा है, काम करने का समय है, मेहनत करने का समय है, और यहीं से अपने दिन की शुरुआत मानिए और आगे बढ़िए तो बहुत जल्दी आप तरक्की भी कर जाएंगे। बिल्कुल, और आगे बढ़ना है पॉजिटिविटी के साथ। तो ढैया में इस बार की दिवाली आप लोगों के लिए क्या कुछ लेकर आ रही है, अब जान लेते हैं आगे। मैं जी सबसे पहले दिवाली पर इनकी सेहत कैसी रहेगी मैं ये जानूंगी। देखिए, कर्क राशि वालों के लिए अगर बात करें तो सेहत के दृष्टिकोण से ये जो समय इनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, कोई बड़ी सेहत संबंधी समस्या नहीं रहेगी। कर्क राशि वाले इस समय ये जो राहु केतु का चेंज होगा उसके बाद से इनको काफ़ी बड़ी राहत मिलेगी जी। और हेल्थ इश्यूज़ जो परेशानी जो शनिदेव दे रहे थे वो भी अब कम करेंगे, तो इसलिए नवंबर मास में इनका सेहत के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छा समय है, कोई ज्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है। लेकिन अष्टम भाव में शनि रहेगा तो 2-3 चीजों का ध्यान रखिए, खान पान में थोड़ा सा संयम कर्क राशि वालों को हमेशा ही रखना चाहिए जी। और लेट नाइट खाना खाने से बचें, अगर आप बहुत ज्यादा अल्कोहल लेते हैं या ड्रिंक करते हैं या नॉन वेज खाते हैं तो ये आपको त्यागना पड़ेगा, क्योंकि शनि की ढैया 7:30 में अल्कोहल लेना नॉन वेज खाने से परेशानियां बढ़ती हैं और बीमारी भी बढ़ती है, सात्विक होने की जरूरत पड़ गई है लोगों को। आपको चाहिए कर्क राशि वालों तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, अन्यथा तो इस महीने थोड़ी सी परेशानी रहेगी। हाँ, सूर्य जरूर नीच के हैं चतुर्थ भाव में मंगल के साथ, जिन लोगों को गले छाती के रोग कफ कोल्ड की समस्या है उनको थोड़ा सा 16 नवंबर तक सावधान रहना पड़ेगा। चलिए, अगर बात करूँ स्टूडेंट्स को लेकर तो क्या लगता है इनके लिए अब आगे का समय कैसा रहेगा दिवाली के बाद से? छात्रों के लिए समय अच्छा चल रहा है, शिक्षा परीक्षा में अच्छा लाभ देंगे, बुध भी बहुत जल्दी पंचम भाव में आ जाएंगे तो ये अच्छी प्लेसमेंट रहेगी यहाँ बुध के आने से, और सूर्य तो 16 तारीख के बाद यहाँ पर आएंगे तो ये भी अच्छा आपके लिए रहेगा।
तो कुल मिलाकर आपके लिए कर्क राशि वालों, शिक्षा के क्षेत्र में कोई बड़ी परेशानी दिक्कत नहीं है। अब आपका मन भी पढ़ाई में लगेगा इन परिवर्तन होने से, और आपका मन शांत भी रहेगा। तो मेहनत कीजिए, अगर आपको कोई टेस्ट इंटरव्यू है तो सफलता मिल जाएगी। अब आइए जान लेते हैं कि इस बार की ये दिवाली आपके रिश्तों के लिए कितनी खुशियां लेकर आ रही है। देखिए, रिश्तों में मधुरता ही मधुरता अब रहेगी शनि के वक्री हो जाने से, मार्गी हो जाने से। जी, तो बहुत अच्छा आपके लाभ रहेगा। केंद्रीय प्रभाव राहु केतु का सप्तम भाव पर पड़ रहा था, देखिए तो ये सब जो है दिक्कतें पैदा हो रही थी। अब यहाँ पर कोई भी ऐसा अशुभ ग्रह नहीं है जो कि इसको देख रहा है, केंद्रीय प्रभाव से भी नहीं। तो गुरु का केंद्रीय प्रभाव शुभ अब मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका वैवाहिक जीवन जो है काफी अच्छा रहेगा, कोई बड़ी परेशानी नजर नहीं आ रही है, मगर जीवन साथी की सेहत का थोड़ा सा ख्याल अभी जरूर रखें। बिल्कुल, चलिए अब तक हमने बात की कि इस दिवाली से आपकी सेहत कैसी रहेगी, रिश्तों में भी कितने बड़े परिवर्तन आपको देखने को मिल सकते हैं, स्टूडेंट्स के बारे में भी जाना। अब बात आती है आपका काम धंधा कैसा चलेगा, क्योंकि दिवाली से देखिए कहते हैं कि लोगों की सोई हुई किस्मत भी जाग जाती है। नौकरी कर रहे हैं, अपना खुद का बिजनेस है, परिवर्तन करने की सोच रहे हैं, तो दिवाली से आने वाला समय आप लोगों के लिए कैसा रहेगा ओवरऑल मैनेजिंग के काम धंधे के पॉइंट ऑफ व्यू से? देखिए, दिवाली के आसपास कविता जी लोगों के मन में चाह रहती है, जो लोग व्यापारी और उनका काम दिवाली से संबंधित ही है, क्योंकि दिवाली से शुरू होता है, मुझे तो ऐसी लगता है। और अधिकतर लोग क्या करते हैं ना कि दिवाली पे हर चीज की अब सेल होती है, लोग कपड़े भी खरीदते हैं, खरीदारी भी करते हैं, मिठाई और फलों, ये तो है ही दिवाली का पर्व, मतलब इसमें चाहती ही है। लेकिन आजकल तो दिवाली पे हम लोग क्या करते हैं कि गैजेट्स भी लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम भी लेते हैं, अपने घर को कहना चाहिए एक नया घर बना देते हैं दिवाली पर। तो इसलिए ये समय जो है कर्क राशि वालों के लिए ये दिवाली बड़ी अच्छी रहने वाली है। तो इस समय काफी अच्छा आपको व्यापार में लाभ मिलेगा, सेल अचानक से आपकी बढ़ेगी, और दिवाली ना ही सही, दिवाली के बाद भी आपका समय अच्छा रहेगा। आप संपूर्ण ये महीने आपको लाभ मिलेगा काम कारोबार में, और नौकरी में भी हालात अब बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप परिवर्तन करने की सोच रहे थे किसी परेशानी की वजह से, तो कुछ समय यही टिके रहिए, तो हालात यहाँ भी बेहतर होंगे, या अगर आप दूसरी नौकरी की चाह रख रहे हैं तो वो भी आपको योग बन रहा है। धन अर्जन के कितने दरवाजे इनके खुल जाएंगे दिवाली से? देखिए, धन लाभ के योग गुरु दशम भाव में रह के पॉजिटिव हो गए तो बहुत अच्छा देंगे। भाग्य स्थान में गुरु बैठे हैं तो ये राहु बैठे हैं, ये भी आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो भाग्य की वृद्धि भी होगी, भाग्य से लाभ भी मिलेगा, और इस महीने चंद्रमा लाभ स्थान में बैठे हैं शुरुआत में, तो इस महीने अच्छा लाभ मैं देख रहा हूँ, और धन भाव में शुक्र भी है। तो कुल मिलाकर कोई ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, समय आपके लिए काफी अच्छा है, इस महीने अच्छा खासा लाभ कमाएंगे और व्यापार पे अच्छा लाभ मिलेगा, धन संचय भी होगा। मैंग जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ भाग्य प्रतिशत क्या कहता है इस बारे में? देखिए, भाग्य प्रतिशत तकरीबन 85% तो इस महीने इनके पूरी तरीके से साथ है, काफी अच्छा भाग्य है, मेहनत करके आप इसको कुछ परसेंट बढ़ा भी सकते हैं। छोटा सा उपाय इन लोगों के लिए? उपाय के तौर पर ये कहूंगा कि सूर्य को जल दें इस महीने, अच्छा रहेगा, खासकर शुरुआती 15 दिन तो हनुमान चालीसा का पाठ कर्क राशि वालों को भी निरंतर पढ़ना चाहिए उत्तम भाग्य के लिए। और शनि देव जो अष्टम भाव में बैठे हैं, शनि की ढैया के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए आपको शनि देव के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए, और शनि का दान करेंगे तो विशेष आपको लाभ मिलेगा, सभी तरह के कष्टों से परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी। तो इस बार की दिवाली आप लोगों के जीवन में खुशियाँ लाए, आपके जीवन को जगमगाए, यही हम भी कामना करते हैं, और मेरे और मयंक जी की तरफ से आप लोगों को भी दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार।